The topic which we are going to discuss is ISO 14000 series. ISO 14000 series deals in quality related to environment, environment standards, environment management system, qualifications of auditors who are responsible for environment audit. Now we are going towards the success story of ISO 14000. The ISO 14000 standards has not yet achieved the widespread use in the United States. दैट इट्स क्वालिटी कंट्रोल पार्ट आई एस ओ नाइन थाउजेंड एंजॉय इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आई एस ओ नाइन थाउजेंड ने जो एंजॉय की अपनी इम्पोर्टेंस वो आई एस ओ फोटीन थाउजेंड ने अभी तक एंजॉय नहीं की आई एस ओ नाइन थाउजेंड डील्स इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आई एस ओ फोर्टी थाउजेंड डील्स इन अनवामेंट अभी इन्वामेंट के ऊपर इसका मतलब है काम होने वाला बाकी है इसमें रिसर्च गैप है जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक अभी दुनिया काम नहीं कर रही आई एसओ फोर्टीन थाउजेंड स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट करके हम इसकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकते हैं द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स शो जस्ट हाउ सक्सेसफुल द कंपनी हैज बिन इन दिस क्रिटिकल एरिया द कंपनी इम्प्रूव इट्स रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट फॉर ऑल नॉर्थ अमेरिकन ऑपरेशन बाई ट्वेंटी फाइव परसेंट आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड इंप्लीमेंट करके नॉर्थ अमेरिका ने ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी एनवायरमेंट सेफ्टी में इजाफा किया है तो ये इट सेल्फ एक् सक्सेस स्टोरी है ऑर्गेनाइजेशन पहले इस तरह से सा काम नहीं कर रही थी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर फोर्टीन थाउजेंड स्टैंडर्ड जो है आई एस ओ के इनको इम्प्लीमेंट करके ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी हद तक हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट पहले ही जनरेट कर चुकी है और सेकंड पॉइंट द कंपनीज हैज ऑपरेटेड मोर दैन वन फोटी फैसिलिटीज दैट हैव मोर मिलियन विदाउट अ लास्ट टाइम एक्सीडेंट फॉर सेवन इज इन अदर इसका मतलब ये है ऑर्गेनाइजेशन 20 मिलियन आर काम किया उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्शन प्रोसेस ने लेकिन एक भी इंसिडेंट्स वहां पे पैदा नहीं हुआ तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है क्यों पैदा नहीं हुआ मेजर रीजन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम मेजर रीजन एप्लीकेशन ऑफ आई एसओ स्टैंडर्ड्स अगर इन चीजों को इंप्लीमेंट ना किया जाता तो ये ट्वेंटी मिलियन आर वेस्टिंग एनी एक्टिविटी विदाउट वेस्टिंग द टाइम ऑफ ऑर्गेइजेशन विदाउट फेसिंग एनी इंजनियर दर्गनाइजेशन पॉसिबल ना होता द कंपनी में रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेश जस्ट दी इंटू वन पर हंड्रेड इन दूनाइट स्टेट्स विच इज वेल बिलो द इंडस्ट्री एवरेज इंडस्ट्री एवरेज वो है जो फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एग्जाम्पल ली जाए वहां पर सौ में से अगर दस इंसिडेंट्स हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो ये टेन इंटू वन रेशो है तो इंडस्ट्री एवरेज काफी ज्यादा है लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो एनवायरमेंट को कंट्रोल करने की वजह से जो रेशो है वो पहले से नीचे आई है थ्री इंटू वन है और ये वन हंड्रेड के रेशो है कि अगर हंड्रेड ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं तो थ्री इंटू वन आर्गेनाइजेशन में किसी किस्म का इंसिडेंट्स पैदा हुआ अब इसको भी मजीद मिनिमाइज़ वो लोग कर रहे हैं अगर आई एस ओ के जो स्टैंडर्ड्स हैं फोर्टी थाउजेंड की मुकम्मल सीरीज फोर्टीन थाउजेंड वन से लेकर फोटीन थाउजेंड फिफ्टी तक अगर ये चीज़ों को अप्लाई किया जाए तो ये रेशो मज़ीद इम्प्रूव की जा सकती है और लास्ट पॉइंट सेवरल ऑफ द कंपनीज फैसिलिटीज नो पार्टिसिपेट इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन वलन्टरी प्रोटेक्शन प्रोग्राम वलंटियरली प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन की तरफ से जो ऑर्गेनाइजेशन वलन्टेरली इनको इम्प्लीमेंट करके पॉलिसीज लेके एग्जीक्यूट करके एवेल्युएट करके काफ़ी हद हाँ तक आर्गनाइजेशन ने आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट करके एनवायरमेंट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म डेवलप करके सोशल कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्लीमेंट करके काफ़ी हद हाँ तक प्रॉफिटेबिलिटी में प्रोडक्शन में इजाफा किया है तो ये काफ़ी डी स्टूडेंट सक्सेस स्टोरीज हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस वक्त हो रही हैं अगर तमाम ऑर्गेनाइजेशन आई एस ओ फोर्टीन थाउजेंड सीरीज़ को इंप्लीमेंट कर ले चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है यूरोपियन यूनियन है पाकिस्तान है काफ़ी हद हाँ तक ये लोग इनवामेंट प्रोटेक्टिव एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट करके ऑर्गेनाइजेशन हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट डेवलप कर सकते हैं